नाहमिया तीसरा बाब। तब अलियासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ों को लगाया। उन्होंने हिमाया के बुर्ज बल्कि हननेल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरहू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन एमरी ने बनाया और मछली फाटक को बनी हसनाया ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मेरी मौत बिन ओरिया बिन हकूस ने मुरम्मत की और उनसे आगे मुसालिम बिन बरकिया बिन मिशाजबिल ने मुरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बाना ने मुरम्मत की और उनसे आगे तकवियों ने मुरम्मत की, पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन ना झुकाई। और पुराने फाटक के यहूदा बिन फासिख और मुसालिम बिन बसुदिया ने मुरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उससे आगे मलतिया जबोनी और जदोन मरनोथी और जबोन और मिस्फा के लोगों ने जो दरिया पार के हाकिम की अलम बरदारी में से थे मुरम्मत की। और उनसे आगे सुनारों की तरफ से औजियल बिन बिन हराया ने और उससे आगे अतारों में से हनानिया ने मुरम्मत की। और उन्होंने यरूशलेम को चौड़ी दीवार तक मुहकम किया। और उनसे आगे रिफाया ने जो होर का बेटा और यरूशलेम के आधे हलके का सरदार था मुरम्मत की। और उससे आगे यधाया बिन हरुमसफ ने अपने ही घर के सामने तक की मुरम्मत की। और उससे आगे हतूश बिन हसबानिया ने मुरम्मत की। मिल्काया बिन हारेम और हसोब बिन पखत मुआब ने दूसरे हिस्से की और तनूरों के बुर्ज की मुरम्मत की। और उससे आगे सलोम बिन हलोहेश ने जो यरूशलेम के आधे हलका का सरदार था और उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। वादी के फाटक की मुरम्मत हनून और जनुवाहा के बादशाहों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और कूड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। और कूड़े के फाटक की मुरम्मत मलकिया बिन रेखाब ने की जो बैते हिक्राम के हलका का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और चश्मा फाटक को सलोम बिन केलोहोजा ने जो मिस्फा के हलका का सरदार था मुरम्मत किया। उसने उसे बनाया और उसको पाटा और उसके कवाड़े और चिटखनियां और उसके अड़बंगे लगाए। और बादशाही बाग के पास शेलोख के हौज की दीवार को उस सीढ़ी तक जो दाऊद के शहर से नीचे आती है बनाया। फिर नाहमिया बिन गजबूक ने जो बैते सौर के आधे हलका का सरदार था दाऊद की कब्रों के सामने की जगह और उस हौज तक जो बनाया गया था और सूरमाओं के घर तक मुरम्मत की। फिर लावियों में से हौरोम बिन बानी ने मुरम्मत की। उससे आगे हसबिया ने जो केलाया के आधे हलके का सरदार था अपने हलका की तरफ से मुरम्मत की। फिर उनके भाइयों में से बुए बिन हंदाद ने
जो किलाया के आधे हलका का सरदार था, मुरम्मत की, और उससे आगे अयजर बिन यशु मिस्फा के सरदार ने दूसरे टुकड़े की, जो मोड़ के पास सलाह खाने की चढ़ाई के सामने है, मुरम्मत की। फिर बारूक बिन जबी ने सरगर्मी से उस मोड़ से सरदार काहिन अलियासब के घर के दरवाजे तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मरिमोत बिन ओरिया बिन हकोस ने एक और टुकड़े की अलियासब के घर के दरवाजे से अलियासब के घर के आखर तक मुरम्मत की। और फिर नशेब के रहने वाले काहिनों ने मुरम्मत की। फिर बिन्यामीन और हसोब ने अपने घर के सामने तक मुरम्मत की। फिर अजरिया बिन मासिया बिन अनानिया ने अपने घर के बराबर तक मुरम्मत की। फिर बनवी बिन हंदाद ने अजरिया के घर से दीवार के मोड़ और कोने तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फलाल बिन ओजी ने मोड़ के सामने के हिस्सा की और उस बुर्ज की, जो कैद खाना के सहन के पास के शाही महल से बाहर निकला हुआ है, मुरम्मत की। फिर फिदाया बिन पर ओस ने मुरम्मत की। और नतनियम मशरिक की तरफ ओफेल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे जो बाहर निकला हुआ था। फिर तकवियों ने उस बड़े बुर्ज के सामने जो बाहर निकला हुआ है और ओफेल की दीवार तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की। उनके पीछे सदूक बिन अमीर ने अपने घर के सामने मुरम्मत की। और फिर मशरकी फाटक के दरबान समिया बिन सकनिया ने मुरम्मत की। फिर हनानिया बिन सलमिया और हनून ने, जो सल्फ का छठा बेटा था, एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मुसालम बिन बरकिया ने अपनी कोठड़ी के सामने मुरम्मत की। फिर सुनारों में से एक शख्स मलकिया ने नतनियम और सौदागरों के घर तक, हम फकाद के फाटक के सामने और कोने की चढ़ाई तक मुरम्मत की। और उस कोने की चढ़ाई और भेड़ फाटक के बीच सुनारों और सौदागरों ने मुरम्मत की।